तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से जेई मेंस और नीट के बारे में बहुत सारे डाउट्स रहे हैं कि ये पेपर एक बार होंगे, साल में दो बार होंगे, कब नहीं होंगे। बहुत बार गवर्नमेंट की मीटिंग हो रही हैं, कई अलग अलग तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं, बहुत तरह के डाउट यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आज के अखबार के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में से आप ली गई है और इसमें साफ बताया गया है कि जेई मेंस के पेपर के रजिस्ट्रेशन 1 से लेकर 30 तारीख तक शुरू हो जाएंगे। 1 से लेकर 30 सितंबर तक ये रजिस्ट्रेशन रहेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और जनवरी में ये पहला पार्ट होगा। जेई मेंस 2 फरवरी में इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। अप्रैल 6 को ये एग्ज़ामिनेशन रहेगा। तो इस तरह से जेई मेंस 1 और जेई मेंस 2 के लिए तो ये बात क्लियर हो गई कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे और ये साल में दो बार होंगी। ऐसे ही नीट के लिए अब ये खबर आ रही है कि नीट का पेपर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होगा। 5 मई को ये पेपर होगा और पेन एंड पेपर बेस्ड ये पेपर रहेगा। यानी नीट का पेपर कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जेई का होगा। जेई के पेपर साल में दो बार होंगे लेकिन नीट का पेपर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होगा। तो इस तरह की खबरों को ध्यान में रखते हुए अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए और लेटेस्ट खबर के अकॉर्डिंगली ही अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म और उनकी डेट को ध्यान में रखिए। ऑल द बेस्ट।